के आंसुओं में बह गए। हमने बहुत अनुमान थे कि हम अपने क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद विकास करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विकास में विश्वास नहीं रखती, केवल विनाश में विश्वास रखती। कमीशन खोरी आप देखो, इतना बढ़ चुका, मैं तो सुनते सुनते थक गया। ब्लॉक में किस प्रकार के कमीशन, कभी इस बात की तरह आपने बात सुनी नहीं कि कमीशनबाजी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। आज आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अब तक मैं मौनव्रत में था, आज मेरा मौनव्रत टूट चुका है। कब लगने लगा था कि विश्वासघात हो सकता है? अंतिम समय हमने बहुत अनुमान थे कि हम अपने क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद विकास करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विकास में विश्वास नहीं रखती, केवल विनाश में विश्वास रखती। कमीशन खोरी आप देखो, इतना बढ़ चुका, मैं तो सुनते सुनते थक गया। ब्लॉक में किस प्रकार के कमीशन, थाने में किस प्रकार के कमीशन, कभी इस बात की तरह की आपने बात सुनी नहीं कि कमीशनबाजी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। आज आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मधु जी जब पार्टी में रहता है तो बहुत सारी बंदे होती है, लेकिन आज मेरी वो शादी बेड़िया खुल चुकी है। पार्टी प्लेटफॉर्म पे कभी बात, मैं जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में था, इसी पार्टी में रहते हुए मैंने अपनी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के विधायक के तौर पर हरियाणा की विधानसभा में मनोहर लाल खट्टर जी से भी हाथ जुड़वाने का काम किया, इनके भ्रष्टाचार ओपन किए थे, और वो उन भ्रष्टाचारों को आज भी हरियाणा की विधानसभा जानती है। जो ज्ञानचंद गुप्ता थी, सुना होगा रेडी वालों से पैसा लेता, अकेले रेडी वालों से पैसा लेता है, वो सारे आरोप मैंने वहां पर 5 साल तो विधानसभा उठा दिया आपने, 6 साल तक केयर सिंह अथीन की जनता को लेकर के खामोश क्यों रहे? अब तक मैं मौन व्रत में था, आज मेरा मौन व्रत टूट चुका है, इसका जवाब आने वाले इलेक्शन में। अच्छा, भी कह रहे थे दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, कितने अरमान संजोए हुए थे? अरमान बहुत थे, जितना जनता को मेरी क्षेत्र की जनता से मुझसे उम्मीद थी, उससे भी बढ़कर के मैंने अरमान सजाए। मैं एक बात और पूछूं आपसे, जब आपने इंडियन नेशनल लोकदल छोड़ी थी, मेरे ख्याल में पहले विधायक थे जिसने ज्यादा छोड़ी थी, किन्हीं शर्तों के साथ में भाजपा वालों ने शामिल करवाया था या बिना शर्तों में चले गए थे? पूरी भारतीय जनता पार्टी ने झोली बना करके मुझसे निवेदन किया था, विधायक जी आप अच्छे हो, आप सच्चे हो, आप हमारे साथ आओ, आपको हम टिकट भी देंगे, आपको इलेक्शन लड़ाएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम पूरी पार्टी आपको विश्वास देती है। लेकिन विश्वासघात किया मैंने, 5 साल पेशेंस रखा, फिर विश्वासघात किया। कब तक कोई आदमी इन पे विश्वास करेगा? हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग फैसला करेंगे, मुझे चाहते हैं या किसी और को। लगभग 1 महीना हो गया आपको टिकट की दौड़ में चल रहे होंगे, कब लगने लगा था कि विश्वासघात हो सकता है? अंतिम समय, उससे पहले सबने विश्वास दिया था? बिल्कुल, धर्म ईमान मान करके उन लोगों ने मुझे विश्वास दिया था कि आपको इलेक्शन लड़ाएंगे, आपके शीर्षनेते साथ है, आपके साथ सारे सर्वे की जो धरातल की रिपोर्ट है वो आपके पक्ष में, लेकिन कारण वही जो पहले था वही। विश्वासघात कोई कैटेगरी बनाई है, कितने विश्वासघात करने वाले लोग थे भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने टिकट के लिए कहा था, कितने लोग थे? लगता है करीब 1 दर्जन, छोटे बड़े सभी नेता, सभी लोग शामिल, सभी लोग जिले से लेकर के प्रदेश स्तर के नेता सब शामिल थे। बिल्कुल, प्रदेश तो किसी ने कहा भी था कि आपको टिकट दे रहे हैं, आप तैयारी करते रहो? मुख्यमंत्री ने मेरे से कहा, प्रदेश अध्यक्ष ने मेरे से कहा, प्रदेश प्रभारियों ने मेरे से कहा, सांसद ने मेरे से कहा, कोई ऐसा आदमी नहीं बचा जिन्होंने ये ना कहा हो कि आपको आपको इलेक्शन नहीं लड़ाएंगे। किसी बात का मौजूद हो, क्यों तो मेरे से कहते रहे, क्यों मैं लोगों से कहता, आज मेरे लोगों में मेरे से भी ज्यादा गुस्सा है, लोगों में यह कि भारतीय जनता पार्टी से विश्वास उठ चुका है कि ये केवल झूठ पे खड़ी हुई है, ये झूठ के खंभ को हमें उखाड़ करके फेंकना। अब आपका जो नामांकन कर रहे हैं वो भी कह रहे हो शर्तों पे नामांकन है, आप कह रहे हो कि ऐसा है, आज मेरा सब मुहूर्त है, ठीक है, आज मेरा सब मुहूर्त है। गुजर जब आए थे ना यहाँ अपने समर्थन मांगने के लिए आया था, 5,000 आदमी थे, मैंने कहा था मैंने हमें टिकट चाहिए केयर सिंह के लिए, बोले हाँ भैया जाएंगे, आज आखिरी सवाल मुझे और बता दो आप। जी जनाब, आपके गांव का ही कैंडिडेट है बीजेपी का,
कोई प्रेशर आएगा अगर गांव का पाल का तो कोई ऐसा, मैं किसी व्यक्ति का प्रेशर नहीं मानता, मेरे सामने जनता खड़ी है जी। ये मेरा सर्वस्व है। हाँ। ये लोग मुझे चाहते हैं, मैं इनको चाहता हूँ। चलिए, हम लुटेरों से हतीम को बचाना चाहते हैं। तो अब नामांकन करने जा रहे हैं, तो ये केर सिंह रावत है, नामांकन करने जा रहे हैं। कह रहे हैं किसी का कोई दबाव नहीं, किसी का कोई प्रेशर नहीं, जो इलाके के लोग हैं ये फैसला करेंगे। उन्होंने फैसला कर लिया है, ये चुनावी घड़ी है, चुनावी मेला है, और इस चुनावी मेला के अंदर रोज नए लोग आपके सामने आपको बताएंगे कि क्या हालात होंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।